मेरा नाम प्रीति श्रीवास्तव है और मैं बेसिक शिक्षा विभाग से चयनित की गई हूँ इस अवार्ड के लिए। मैंने प्रदेश स्तर का कोविड काल में प्रदेश स्तर का एक शैक्षणिक ग्रुप बनाया था एडोस्टफ, जो इस समय लगभग 50 जनपद में सक्रिय है और इस ग्रुप में लगभग 90% महिला शिक्षिकाएँ जुड़ी हुई हैं, जो बच्चों के लिए विभिन्न शैक्षणिक सामग्री बनाते हैं और इस पर कार्य करते हैं। इसके अलावा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हम गाँव में जाते हैं, तमाम बालिकाएँ जो शिक्षा से वंचित हैं या जो पैसे की कमी के कारण जो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रही हैं, उनकी हम मदद करते हैं। और मेरे गांव में कोई भी ऐसी बालिका नहीं है जो शिक्षा से वंचित हो, ड्रॉप आउट हो। तो इस तरह से मेरे इन कार्यों को देख करके शासन द्वारा मेरा चयन किया गया है। मैं योगी सरकार की बहुत आभारी हूँ और मैं बहुत गर्वान्वित फील कर रही हूँ। मैं आसिया फारूकी फतेहपुर जनपद से चयनित हुई हूँ। मुझे ये बहुत गर्व हो रहा है कि आज मुझे ये सम्मान दिया गया, क्योंकि मैंने शुरू से ही बेटियों की शिक्षा के लिए काम किया, उनके अभिभावकों को भी शिक्षित किया, उनको रोजगार से जोड़ा। तो ऐसे छोटे छोटे प्रयास किए, कोरोना काल में भी हमने बहुत सारे ऐसे प्रयास किए, कैंप लगा के हस्तशिल्प का बहुत सारी महिलाओं को, गरीब महिलाओं को रोजगार से जोड़ा, मास्क और सैनिटाइजर और कपड़े के बैग बना के वितरित किए। तो लगभग हमारे गांव में सभी लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है और जागरूकता फैल रही है। तो इसी के उपलक्ष्य में आज ये पुरस्कार मुझे मिला है, जिसके लिए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो ऐसे अनोखे कार्य करते हैं और आज इतनी सारी महिलाओं को एक साथ सम्मानित किया गया। इसके लिए हम सभी उनकी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। थैंक यू सो मच। आसिया फारूकी, जनपद फतेहपुर। मेरा नाम मनीषा यादव है और मैं रामपुर ज़िले से आई हूँ। और मिशन शक्ति का जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है महिलाओं को, बालिकाओं को लेकर और सुमंगला योजनाओं को लेकर, जो महिलाओं से संबंधित जो भी योजनाएं हैं उनका हम प्रचार करते हैं गांव में जाके और बाकी महिलाओं को बताते हैं उनको उसके बारे में, सारी योजनाएं अच्छे से संचालित हों और जो पात्र लोग हैं उनको मिल सकें, ये हमारा प्रयास रहता है, ये लक्ष्य रहता है। योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी मेहनत को उन्होंने इतना सराहा और हमको ये सम्मान दिया है उन्होंने। मैं कृष्णा गोसाई मुरादाबाद से हूँ, बोधवाला ग्राम से, ठाकुरद्वारा ब्लॉक है मेरा। और मेरे द्वारा 140 घरों का सर्वे कोरोना के दौरान किया गया, उसके बाद 150 सर्वे मैंने गृह भ्रमण में किए और मैंने 200 लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन कराया। 5 बच्चे जो कुपोषित थे उनको मैं हरी श्रेणी में लेकर के आई और 65 गृह वाटिकाएँ, पोषण वाटिकाएँ वो मैंने लगवाई। और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कार्य किए, 82 घरों का सर्वे मैंने ऐसी जगह किया जहां मेरा सर्वे भी नहीं था, ब्लॉक ठाकुर द्वारा में जाके। जी मैं देवरिया ज़िले से हूं और ब्लॉक तरकुलवा, मेरा नाम नीरज पांडे है। और मैंने कोरोना काल में मतलब जितनी भी सेवाएं, छोटे बच्चों को 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का वजन करना, उनकी लंबाई लेना, जो कुपोषित बच्चे हैं उनको NRC पे भेजना और गर्भवती महिलाओं की देखभाल करना, स्तनपान वाली महिलाओं की देखभाल करना, ये सारा कार्य मैंने किया। जो कुपोषित बच्चे हैं उनके माता पिता को वैक्सीनेशन करवाना, ये सारा कार्य किया है मैंने। ये जो सम्मान मिला है मुझे बहुत ही मतलब इसके लिए हर्ष हो रहा है। और मैं ये चाहूँगी कि मैं अपने मतलब ब्लॉक में जाके अपने ज़िले की सभी महिलाओं को ये प्रेरित करूँ कि मेरे जैसा ही सम्मान सभी को मिले और मेरे जैसा काम सभी लोग करें। योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आज ये सम्मान मिला है। मैं अंजू कुशवाहा जनपद गाजीपुर से हूँ और हम लोगों ने मिशन शक्ति का जो तीसरे शुभारम्भ पे जो हम लोगों को पुरस्कार देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हम लोगों को जो पुरस्कार दिया गया, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। और हम लोगों को जो कोरोना काल में बहुत सारे कार्य दिए गए थे, तो वो हम लोगों ने बिना डर के फील्ड में जाके महिलाओं के साथ एकजुट होके उन्हें इस चीज़ के लिए जागरूक किया, पोषण पखवाड़ा मनवाया और बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए महिलाओं के साथ मिलके सारे चीज़ें बताए कि वो अपने बच्चों को सुरक्षित कर सकें। जैसे कि बहुत सारे होते हैं, जैसे हम लोग अन्नप्राशन करते हैं, गुदभराई करते हैं और बच्चों की लंबाई नापना, वजन करना और बच्चों को किस ढंग से हम लोग आहार दें, स्तनपान कैसे कराएं महिला और कोविड काल में उन्हें कैसे रहना है, जैसे अपने हाथों को बार बार धोएं, 2 गज की दूरी रखें और मास्क लगाएं, ये सब सारी चीज़ बताते थे जिससे कि महिलाएं जागरूक होती थी। और मेरे एरिया में सारी महिलाएं बहुत ही शिक्षित और अच्छी हैं। थैंक यू। और सरकार को इसलिए भी धन्यवाद है क्योंकि काम तो हम लोग पिछले 40 सालों से कर रहे हैं और 40 सालों के दौरान हमने ग्राम विकास विभाग के तहत, जो गांव में हमारा ऑफिस है, हम एक स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से यहां पे काम कर रहे हैं, सर्वोदय आश्रम, और इसमें हम लोगों ने 25 जनपदों में ऊसर सुधार का काम करके दिखाया जिससे कि लाखों किसानों की आमदनी बढ़ी और जो ज़मीन सुधरी, इससे एक तरफ अनाज का उत्पादन हुआ
और दूसरी तरफ ये भी बढ़ा। इसके साथ में हमने इसी कार्यक्रम के तहत हजारों महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाए और उनके स्कूलों के साथ में भी हम काम कर रहे हैं। हमारे पास में रेजिडेंशियल स्कूल हैं, उन रेजिडेंशियल स्कूल में हम लोग 450 लड़कियों को हरदोई में और 100 लड़कियों को बाराबंकी में आवासीय उनकी शिक्षा पद्धति है उसके। ये मिशन शक्ति में पहले तो स्थानीय लोगों को तो सबको पता ही है, अभी इस काम को देखने के लिए हमारी गवर्नर भी गई थी सर्वोदय आश्रम में हरदोई में, अभी हाल में ही 5 अगस्त को ही गई थी। और इस कार्यक्रम में जो हमको यहाँ से परामंत्रित किया है, इसलिए कार्यक्रम चूँकि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का यश में रहा, तो उनको बहुत हृदय से धन्यवाद है कि वो इस तरीके कार्यक्रम के जरिए जो महिलाओं को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं उसके लिए एक बहुत बड़ी ये प्रेरणा है। मेरा नाम है रूबीनाज, मेरे समूह का नाम है इंशाल्लाह महिला स्वयं सहायता समूह विकासखंड बेहंदर जनपद हरदोई से मैं हूँ। शक्ति मिशन के तहत आज हमें पुरस्कृत किया गया है और हमें माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने पुरस्कार भी दिया है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो गरीब महिलाओं के बारे में इतना अच्छा सोच रहे हैं और महिलाओं को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। हम उनको बहुत बहुत महिलाएं धन्यवाद करती हूँ। मैं MDK इंटर कॉलेज जनपद बलरामपुर से आई हुई हूँ। ये मिशन शक्ति पुरस्कार आज मुझे प्राप्त हुआ है। मैंने अपने वहाँ बालिकाओं को, हमारा गर्ल्स इंटर कॉलेज है MDK बालिका इंटर कॉलेज है, वहाँ पे लड़कियाँ विद्यालय आने से डरती थी। जब से ये हाथरस वाला कांड और बलरामपुर बलात्कार वाला वो कांड हुआ तब से लड़कियाँ बहुत डरती थी और गार्जियन उनको भेजते भी नहीं थे, लेकिन हम लोगों ने उनको जागरूक किया। योगी जी स्वयं बलरामपुर आए थे शारदीय नवरात्र में और उन्होंने ये मिशन शक्ति का आरम्भ किया और उसके बारे में हमने जागरूक किया लड़कियों को। लड़कियां कहती थी अगर मतलब कॉलेज आएंगे और लड़के में छेड़छाड़ करेंगे, हम उनका नाम देंगे तो वो हमसे दुश्मनी करेंगे। तो हम लोगों ने बात करके DIS साहब से, जिला विद्यालय निरीक्षक साहब से, प्रधानाचार्य से शिकायत पेटिका लगवा दिया कि वहाँ पे वो लोग अपनी शिकायत भी कर देंगे, उनका नाम भी नहीं शो होगा। फिर ये हेल्पलाइन के बारे में मैंने बताया कि ये टोल फ्री, अगर आपके पास बैलेंस नहीं तब भी ये कॉल जाएगी। और गार्जियन को मैंने कहा कि देखिए सरकार ने कन्या सुमंगला योजना बनाई हुई है, आप लोग बच्चों को पढ़ाइए, लड़कियों को पढ़ाइए, बेटी को आप ऐसा ना करिए कि ना भेजिए, उसकी मतलब प्रतिभाएं छुपी रहें, उसको आप आगे बढ़ाइए। और इसके लिए हमने जगह जगह स्टॉल लगा के और बच्चों को लड़कियों को ले जाके जागरूक किया स्काउट गाइड के माध्यम से। और भी ये फिर ये कोविड के कारण लड़कियां नहीं आ रही है। जिस तरीके से मिशन शक्ति के द्वारा, योगी आदित्यनाथ के द्वारा बढ़ाया जा रहा महिलाओं को, इससे पहले सरकारें करती थी ऐसा? जैसे ये इतना कोई वो सरकार का हम लोग का साथ नहीं था कि मतलब इस तरीके से कोई योजना चलाई हो, वैसे लड़कियों के लिए कोई थोड़ी बहुत रही होगी, लेकिन इस तरीके से जो आज लड़कियां डर छोड़ दी हैं, इतना स्ट्रेंथ कॉलेज में बढ़ रहा है, शिकायत करी, उनका नाम भी नहीं शो हो रहा है, ऐसी योजना तो मैंने नहीं देखी। कहेंगे योगी आदित्यनाथ? मैं कहूंगी योगी जी मेरे साथ हैं तो डरने की क्या बात है। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर सुरुचि सैनी, डिस्ट्रिक्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, गाजियाबाद से हूँ। आज मिशन शक्ति मिशन में प्रोग्राम में आके मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की जो पहल है ये वाकई काबिले तारीफ है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जितना उन्होंने कार्य किया है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और काम तो बहुत लोग, बहुत महिलाएं करती हैं लेकिन उनका ऊपर तक आता नहीं है, लेकिन यहाँ पूरी पारदर्शिता के साथ ये काम ऊपर तक आया, इसके लिए मैं बहुत बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी की आभारी हूँ, धन्यवाद। अच्छा ये बताइए मैडम, सरकारें तो आती जाती रहती हैं पर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? योगी जी वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, संदेह इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकारें तो और भी आईं, यूं कहते हैं लोग सब सरकारें आती हैं चली जाती हैं कुछ नहीं करती, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती, क्योंकि इस सरकार में हम पहले भी काम करते थे, हमारा कभी काम नहीं बाहर आया और महिलाएं मतलब हम निडर होकर काम कर पा रहे हैं, हमें डर भी नहीं लगता। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने घर में ही देखते हैं कि बहुत चेंजेस आए हैं योगी जी के आने के बाद। कहेंगे योगी जी के लिए 2022 में चुनाव भी आने वाले हैं, आगे आने वाले सालों में भी योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए? मैं तो स्वयं ही भगवा रंग में रही हूँ, मैं तो उन्हीं को कहूँगी कि वही आएंगे निसंदेह। जी बिल्कुल। मैं डॉक्टर शायस्ता नाथ, जिला शामली से, डिस्ट्रिक्ट एपिडेमोलॉजिस्ट संक्रामक रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूँ। वहाँ पर मैंने पूरे कोविड वैश्विक महामारी कोविड-19 के तौर पे विशेषज्ञ के तौर पे काम किया है। शुरू में जिस वक्त कोविड के रोगी आया करते थे, पॉजिटिव धनात्मक आते थे, लोगों में एक भय था, एक भ्रमता थी कि
अगर इनको कोविड है, हम इनसे हाय भी हेलो भी करेंगे, थोड़ी सी दूरी पे भी मिल लेंगे, इनके गली से भी गुजर जाएंगे तो हमें भी कोविड हो जाएगा, जिसके लिए इतना प्रचार प्रसार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और योगी आदित्यनाथ जी एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बहुत ही अच्छी पहल की गई। मास्क का वितरण किया गया, हैंड सैनिटाइज़र का वितरण किया गया, घर घर लोगों को सेवाएं प्रदान की गई, दूरस्थ जो हमारे हाई रिस्क एरियाज थे, हमारे दूरस्थ ग्राम थे, वहां भी उन्होंने सभी सुविधाएं को उपलब्ध करवाया और बहुत ही अच्छे और सफल तरीके से जागरूकता की, जो हमारे भारत देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। लोगों को पता है पर वो जागरूक नहीं है उस चीज़, उस किसी भी कार्य के लिए। जागरूकता ही किसी भी चीज़ का सबसे अहम कदम होता है, जिसके लिए हम सबका कोटि कोटि नमन करते हैं, धन्यवाद। पुष्पा सिंह, सीएचसी विरावकोट वाराणसी से हूँ। मैं कंसल्टेंट डेंटल सर्जन हूँ और मिशन शक्ति में सम्मान पा करके मैं तो बहुत ही खुश हूँ। आज योगी जी ने जो हम लोग को सम्मान दिया है, और मैंने हॉस्पिटल में मैनेजमेंट का काम किया, बहुत ही रिमोट एरियाज़ में जहाँ पेशेंट्स नहीं आते थे, पहुँच नहीं पाते थे, या मेडिसिन नहीं पहुँच पाती थी, लोगों को डिलीवरीज नहीं हो पाती थी, उनको दूर दराज अस्पतालों में या जिला अस्पतालों में जाना पड़ता था, दिक्कत होती थी, वहाँ पे मैंने ये सारे काम स्टार्ट किए। और कोविड पीरियड में हॉस्पिटल में स्टैटिक बूथ जो बने थे, जहाँ सैम्पलिंग होती थी, उसका मैनेजमेंट, क्वारंटाइन वार्ड का मैनेजमेंट, इसीलिए हमारे शायद CMO सर ने मुझे नामित किया यहाँ पे पुरस्कार के लिए, जिसे पा के मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मुझे इतना मोरल मेरा अप हुआ कि मैं और मेहनत करके काम करूँगी और शायद ऐसे पुरस्कार और आगे मिलते रहें। थैंक यू। अच्छा मैम, सरकारें तो आती जाती रहती हैं, पर योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से मिशन शक्ति के द्वारा या फिर और भी जिस तरीके से योजनाएं चलाई जा रही हैं महिलाओं के लिए, क्या कहेंगे उनके लिए? एक्चुअली मेरी नौकरी तो 23 साल हो गई, लेकिन आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि किसी ने महिलाओं को इतना ज़्यादा सम्मान दिया हो और मेहनत करने के लिए प्रेरित किया हो। योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार ने ये हम लोगों को इतना नेम एंड फेम दिया कि महिलाएं अपने आप ही, आप तो जानती हैं महिलाएं काम करने में बहुत ही मेहनती होती हैं, अगर आप थोड़ा सा उनको पुश कर दीजिए पीछे से तो वो और मेहनत से काम करती हैं, और यही हमारी सरकार ने किया, हमें प्रोटेक्शन, हमें स्ट्रेंथ और हमारा से रुचा किया। वाराणसी से है मैम और उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं 2022 में, क्या चाहती हैं योगी आदित्यनाथ? ही चाहती हूँ कि यही सरकार वापस आए, बिकॉज ये सरकार वाकई बहुत अच्छा काम कर रही है। देखिए थोड़ी थोड़ी दिक्कतें तो हर सरकार के साथ होती है, पॉलिटिकल है जो वो, उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन सरकारी अधिकारी होने के नाते मैं ये जानती हूँ कि ये सरकार वाकई बहुत बड़ा विजन है और आगे आने वाले दिनों में हमें और आम इंसान को भी बहुत बहुत फायदे होंगे इस सरकार से, तो मैं तो यही चाहूंगी कि ये सरकार वापस आए। सुरक्षित फील करते हो उत्तर प्रदेश? जी, वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ रहा है तो सुरक्षित फील करेंगे, औरतें आगे आ रही हैं, लेडीज आगे आ रही हैं, हर उसमें आ रही हैं, डिपार्टमेंट में, हर सोसाइटी में आगे हो रही हैं, तो ऑफ कोर्स सुरक्षित हैं तभी आगे आ रही हैं। क्या कहेंगे सरकार के लिए? सही कर रही है फिलहाल, अभी तक तो जहाँ तक की है वो ठीक कर रही है। अदिति ये बताओ, उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर जो काम कर रही है योगी सरकार, कैसा काम कर रही है? बहुत अच्छा काम कर रही है, और मिशन शक्ति में तो हम लोगों ने लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत सारा काम किया है, बहुत सारे इवेंट किए हैं, लड़कियों में इसके लिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी आई है, उनको जैसे पहले पता नहीं था इसके बारे में, बट जितना इन्होंने काम किया उसके बाद लोगों में अवेयरनेस आई है, लड़कियाँ थोड़ी जागरूक हुई हैं, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा काम है। जिस तरीके से आप उत्तर प्रदेश से ही हो गए, आपको क्या लगता है कि 2017 के बाद कितने बदलाव आए हैं उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को? बहुत सारा काम हुआ है और बहुत सारे चेंजेस हैं जो ग्राउंड लेवल पर दिख रहे हैं, और ये मतलब सरकार के प्रयासों की वजह से ही है जो इतना सब कुछ ग्राउंड लेवल पे हो पाया, वरना सब पहले जो चीज़ें होती थी सिर्फ स्कीम्स में रहती थी, लेकिन 2017 के बाद मुझे लगता है बहुत बदलाव आया। चाहते हो 2022 के चुनावों में कौन बनना चाहिए मुख्यमंत्री 2000 उत्तर प्रदेश? जो अभी हैं हम तो उन्हीं से संतुष्ट हैं। योगी जी, थैंक यू जी। क्या नाम है मैडम? शिवांगी श्रीवास्तव। शिवांगी जी, ये बताइए किस तरीके का काम कर रही है महिला सुरक्षा को लेकर योगी सरकार? योगी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, इवन हम लोग को जो मिशन शक्ति के थ्रू उन्होंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है विमेंस एम्पावरमेंट के लिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी के थ्रू हम लोगों ने काफ़ी ट्राई किया मिशन शक्ति को आगे ले जाने की, एंड इसमें हम लोगों ने देखा कि जो स्टूडेंट्स थे काफ़ी वो आगे आए, इवन वो जाने कि मिशन शक्ति का मेन पर्पज़ क्या है।
मिशन शक्ति मेन पर्पस में ये नहीं है कि इक्वालिटी लेके आना है, इट्स लाइक कि हमें अपनी पावर्स को पहचान के आगे अपने आप को बढ़ाना है, इवन अपने देश के लिए कुछ चीज़ को लेकर कैसे काम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा, इवन हम देख रहे हैं कि काफ़ी चीज़ें उन्होंने गवर्नमेंट ने स्टार्ट की हैं विमेंस के लिए, और इवन बहुत ही यूनिवर्सिटी लेवल पे तो बहुत दिखाई दिया है इस चीज़ में हमें। अच्छा ये बताइए, अगर हम चुनावी थोड़ी सी बात करें तो यहाँ पर जो विपक्ष है, अखिलेश यादव की पार्टी कहती है कि महिला सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश। हमें तो जहाँ तक हम अगर अपने आसपास देखें तो हम बहुत ही ज़्यादा सेफ महसूस करते हैं इस गवर्नमेंट के अंडर। मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे योगी जी विमेंस जो सुरक्षा के लिए। क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जो बार बार उत्तर प्रदेश को बदनाम करते हैं, कहते हैं यहाँ तो बहुत ज़्यादा अपराध होते हैं? ऐसा हम क्या कहेंगे, जो काम बोलता है तो एक्शन स्पीक्स मोर लाउडर देन द वर्ड्स। क्या कहोगे 2022 के चुनावों को लेकर? बस यही कि जैसा काम अभी योगी जी कर रहे हैं, आगे भी अगर वो चुनाव जीतते हैं तो प्लीज़ वो ऐसा ही काम करते रहे, विमेंस ओरिएंटेड और भी चीज़ें लेके आए उत्तर प्रदेश में, ताकि विमेंस और सिक्योर फील करे और बहुत एम्पावर फील। सिक्योरिटी की आपने बात की, महिला सिक्योरिटी की बात की, आप ये बताइए 2017 से पहले कैसा माहौल था उत्तर प्रदेश? 2017 से पहले तो मतलब जैसे भी देखा जाए कि विमेंस के लिए काफ़ी चीज़ें, जैसे पहले भी बोला कि सिर्फ स्कीम्स में थी, काफ़ी चीज़ें देखी नहीं गई थी, ग्राउंड लेवल पे भी जो काम हुआ है वो इतना मतलब दिखाई नहीं दिया। तो लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं कि वो ग्राउंड लेवल पे, चाहे वो कोविड के टाइम की बात हो या फिर नॉर्मली जैसे विमेंस के लिए जो भी स्कीम्स लेके आए, तो वो अब दिख रही है इम्प्लीमेंट होते हुए हमें। माय नेम इज़ प्रियंका वर्मा। प्रियंका ये बताओ, सरकार कैसा काम कर रही है महिला सुरक्षा को लेकर, कैसा लग रहा है अब? बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी सिक्योर फील करते हैं हम लोग यहाँ लखनऊ में, तो काफ़ी अच्छा है। एक्चुअली वी आर फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी, सो वी डू लॉट ऑफ एक्टिविटी, डिफरेंट एक्टिविटीज़। जब से मिशन शक्ति लॉन्च हुआ, उसके बाद से हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय में मिशन शक्ति कोर टीम में हम लोगों ने काफ़ी काम किया है, मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट में हम लोगों ने अलॉट किया है और डिफरेंट डिपार्टमेंट वेरी एक्टिवली पार्टिसिपेट भी किया है स्टूडेंट ने, कि मतलब जैसे कि रंगोली बनाना या मिशन शक्ति में पोस्टर बनाना विमेन एम्पावरमेंट को इंकरेज करने के लिए, उनको मतलब सेफ फील करते हैं आप, अच्छे आगे बढ़ रहे हैं अच्छी तरीके। हाँ बिल्कुल, काफ़ी हद तक सुधार आया है और आगे भी आएगा इफ़ अगर अवेयरनेस जनरेट की जाए ऐसे ग्राउंड लेवल पर। हाँ बिल्कुल। क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ के लिए? उनके लिए बहुत अच्छा ही, मैं यही कहूँगी कि वो उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है काफ़ी अच्छा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इससे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट मैंने अभी तक नहीं देखा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ही देखा है मैंने। अच्छा, आप स्टूडेंट हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होगी, आप जानते भी हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, 2017 से पहले कैसे हालात थे उत्तर प्रदेश? हाँ बैड, अच्छा तो नहीं था जो है, काफ़ी मतलब बाहर डेली कभी ना कभी न्यूज़ में काफ़ी रेप के केसेस और काफ़ी मतलब वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, काफ़ी अवेयरनेस के थ्रू काफ़ी इम्प्रूव किया जा रहा है मिशन शक्ति के तहत, तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। मैं ज्योति सैनी सिद्दीकी, मैं लखनऊ से हूँ, मैं एक आर्टिस्ट और आर्ट क्यूरेटर भी हूँ, और मैंने काफ़ी सारे शोज़ दिल्ली में भी किए हैं और लखनऊ में भी काफ़ी सारी वर्कशॉप्स और आर्ट एग्जीबिशन कर चुकी हूँ। कैसा फील करती हैं उत्तर प्रदेश में, आप सेफ फील करती हैं जिस तरीके से बढ़ावा मिल रहा है आप लोगों के लिए भी, जैसा कि आपने बताया कि आर्टिस्ट हैं आप, पेंटिंग भी यहाँ पर लगी हुई है, किस तरीके का काम कर रही है महिला सशक्तिकरण के लिए योगी सरकार? हाँ, मैं सबसे पहले योगी सरकार और योगी जी को बधाई देना चाहूँगी कि वो इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं जो कि नारी और उसकी शक्ति पे अवलंबित हैं, तो बहुत बढ़िया पहल है कि वो नारी की सुरक्षा और उसकी तरक्की और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जितना भी योगी जी कर रहे हैं वो अत्यंत ही सराहनीय है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आगे भी ऐसी पहल होती रहे और हमारे उत्तर प्रदेश में महिलाएं जो हैं वो अपने आप को हर तरीके से सुरक्षित और महफूज महसूस कर सकें। 2022 में चुनाव आने वाले हैं, क्या चाहती हो, कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए? इसका मैं अभी तो कहना उचित, काम के आधार पर क्या कहेंगे आप, योगी जी को वापस आना चाहिए या नहीं? काम के आधार पर मैं यही कहना चाहूँगी कि उन्होंने नारी सशक्तिकरण की तरफ जितनी भी पहल की है वो सचमुच सराहनीय है, तो मैं चाहती हूँ कि आगे भी वही कार्यपद संभालें तो बहुत ही बेहतर होगा। सृष्टि भी कलाकार है, इनकी भी पेंटिंग यहाँ पे लगी हुई है, किस तरीके कैसा लग रहा है आपको कि अब योगी सरकार की तरफ से पूरी तरीके से बढ़ावा मिल रहा है?
बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आने के पहले। मैं तो पहले थैंकफुल हूँ कि योगी जी ने इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन किया है, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हुई हैं। और बहुत सारे लोग जब भी मैंने बाहर देखा जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, तो यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। और जिस तरह से नारी के लिए और ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं, जागरूकता हो रही है, लोग समझ जागरूकता एक तरफ और सिक्योरिटी के लिए क्या कहेंगी, जिस तरीके सुरक्षित फील करती है उत्तर प्रदेश में? पहले से तो करती हूँ, जब से योगी जी की सरकार आई है बहुत अच्छा फील करती हूँ। तो योगी जी के लिए तो मैं बहुत थैंक्सफुल हूँ और मैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के लिए बहुत हूँ। मेरा नाम संध्या मिश्रा है। महिला सशक्तिकरण को लेकर कैसा काम कर रही है योगी सरकार? बहुत अच्छा कर रही है। और एक्चुअली पहले महिलाएं पहले दबी नहीं हुई थी, पहले से हमारे पुराने जमानों में ही महिलाएं सशक्त थीं, लेकिन कुछ बीच में ऐसा समय आया था कि उन्हें इनसिक्योरिटी फील हुई थी। लेकिन अब आजकल ऐसे योगी जी जब से आए उन्होंने इतना बढ़ावा दिया है कि हम लोग भी बहुत सिक्योर फील कर रहे हैं। अलका पांडे, अलका जी ये बताइए, जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण को बढ़ाया जा रहा, क्या कहेंगे महिला सशक्तिकरण को लेकर ये योगी सरकार काम कर रही है? बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे हम लोग आर्ट फील्ड में बहुत ज़्यादा लोग नॉलेज नहीं होती है, लेकिन हम लोग को भी एक फील्ड दी जा रही है कि आगे बढ़ने का, हर चीज़ में, कहीं ओलंपिक्स में, कहीं इंजीनियरिंग में, डॉक्टरिंग में, हर चीज़ में आगे है। लेकिन आर्ट फील्ड में ऐसा है कि कहीं ना कहीं कि कैसा है, ठीक है, ठीक ठाक, उसको लो वेटेज दी जाती है हर जगह। लेकिन इस तरह से आगे इस तरह से प्रोग्राम अरेंज होते हैं तो अच्छा ही काम हो रहा है। क्या कहेंगे योगी सरकार? बहुत अच्छी है, सपोर्टर हम योगी, ये अच्छे ही हैं, तो बढ़िया है, और क्या ही बोले। अच्छा चलिए, महिला सशक्तिकरण को लेकर अगर हम बात करें, अगर हम ये कहें कि महिला सुरक्षा को लेकर किस तरीके की कदम उठा रही है सरकार? महिला सुरक्षा के लिए भी अच्छे ही कदम है। जैसे पहले था कि मतलब अब तो पुलिस वगैरह दिखती हैं हर चौराहे पे, ये पेट्रोलिंग वगैरह चलती रहती है, अब तो काफ़ी सेफ फील करते हैं, निकलते भी हैं, क्योंकि रोज़ का कॉलेज आना जाना रहता है, तो पब्लिक व्हीकल ही प्रेफर करते हैं हम लोग, तो काफ़ी सिक्योर है, काफ़ी सेफ है। चलिए, आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आपने कहा कि आजकल हमें पुलिस रोडों पर दिखाई देती है, सेफ फील करते हैं, इससे पहले 2017 से पहले कैसा माहौल था यहाँ पर? 2017 से पहले तो स्कूल में ही थे, तो मम्मी पापा का था ये, लेकिन हाँ एक था डर था कि गली से भी निकल रहे हो तो आराम से जाना, देख सुन के जाना, तो मम्मी पापा छोड़ने तक जाते थे। अब तो इंडिपेंडेंट हो गए हैं तो काफ़ी सेफ है, इसलिए इंडिपेंडेंट हो पाए हैं। क्या कहेंगे योगी जी आने वाले सालों में उत्तर प्रदेश संभालें या कोई और? बिल्कुल योगी जी बेस्ट है, उनके अलावा कोई इमेजिन भी नहीं कर पाते कि कोई और संभालेगा, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, लेकिन हाँ योगी जी बेस्ट है। क्या नाम है आपका? पूजा कन्नौजिया। पूजा कन्नौजिया जी, ये योगी जी की पेंटिंग आपने बनाई है? जी जी मैम, पेंसिल से बनाई है। जी, एक तरफ योगी जी की तस्वीर बनाई है, दूसरी तरफ महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या कहेंगे, कैसा काम? इसके लिए हम ये कहना चाहेंगे क्योंकि योगी जी ने मिशन शक्ति में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है, तो इसी वजह से हमने जो हमारे लिए जो कार्य कर रहा है, तो उसके लिए मैं पहले अपनी उनकी फ़ोटो बनानी चाहिए थी, इसलिए मैंने पहले उनको बनाया, क्योंकि वो हमारे मार्गदर्शक है, वो हमें आगे बढ़ा रहे हैं कि हम उसमें और आगे चल के सफलता हासिल करें और अपनी आगे चल की इतने कामयाब हो जाए कि हम जाने कि हम योगी जी की वजह से हम आज आगे पहुँचे। कितने दिन लगे इस पेंटिंग को बनाने? ये 3 दिन में बन गई। हाँ, अच्छा ये बताइए किस तरीके से काम कर रही है योगी सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर और महिला सुरक्षा को लेकर? बहुत अच्छा काम कर रही है, जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहे थे उस प्रकार से अपराधों को देखने में ये आया है कि बहुत कमी हुई है, और महिलाएं पढ़ने लिखने लगी, आगे बढ़ने लगी हैं, और जिसको नहीं निकलना था घर से वो अब घर से निकल के अब वो भी काम करने के लिए गया है। एक तो पहला आत्मनिर्भर भारत पर हम जाते हैं कि जिसमें महिलाएँ बाहर काम नहीं कर सकती हैं, बहुत से होते हैं कि घर में हमें काम करना है, तो घर में रह के भी वो आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार कर रही हैं और नई नई योजनाओं के साथ वो आगे बढ़ के काम कर रही हैं। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग से श्रीमती मनीषा यादव, श्रीमती कृष्णा गोसाई, श्रीमती नीरज पांडे, श्रीमती अंजू कुशवाहा। श्रीमती नीता अहिरवार, सुश्री निरुपमा सिंह, श्रीमती शिखा गुप्ता, श्रीमती मनीषा यादव, श्रीमती कृष्णा गोसाई, श्रीमती नीरज पांडे, श्रीमती अंजू कुशवाहा। आप बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। Thank you.
कृपया पुरस्कार ग्रहण कर आगे बढ़ते जाएं और आने वाली अपनी बहनों को स्थान देते जाएं। ग्राम्य विकास विभाग से श्रीमती कोमा सहरिया, श्रीमती कुसुम जौहरी, सुश्री यशोदा देवी, सुश्री रूबी नास, श्रीमती गीता देवी, सुश्री प्रमिला कुमारी, सुश्री पूनम देवी, सुश्री नाज रानी, सुश्री प्रीति। आप सभी से निवेदन है कि कृपया पुरस्कार ग्रहण कर यथाशीघ्र आगे बढ़ते जाएं और अपने पीछे पुरस्कृत होने वाली बहनों को स्थान देते जाएं। तालियां बजाकर जरा इनका उत्साहवर्धन करते जाएं, इनसे प्रेरणा लेते जाएं। अगले मिशन शक्ति के चरण पर आप सभी को यहां पर पधारकर पुरस्कार हाथ में लेकर जाना है। सहकारिता की श्रीमती कमला रानी, श्रीमती गुड्डी, श्रीमती राजपति, बेसिक शिक्षा से सुश्री प्रतिभा उपाध्याय, श्रीमती नम्रता वर्मा, श्रीमती गुड्डी और श्रीमती राजपति जालौन और कानपुर नगर से पधारी हैं। बेसिक शिक्षा से सुश्री प्रतिमा उपाध्याय, श्रीमती नम्रता वर्मा, श्रीमती आशिया फारूकी, सुश्री प्रीति श्रीवास्तव, माध्यमिक शिक्षा से श्रीमती सुमन यादव, श्रीमती मानवी सिंह, श्रीमती प्रगति श्रीवास्तव, डॉक्टर तारा वर्मा, श्रीमती रति वर्मा, डॉक्टर सरोज गुप्ता। माध्यमिक शिक्षा विभाग के होनहार शिक्षिकाएं और कार्यकर्ता अब माननीय वित्त मंत्री महोदया के हाथों ये पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। तालियां बजाकर इनका उत्साह वर्धन करते रहें, हाथों में जोश की कमी नहीं दिखनी चाहिए। राजस्व विभाग की हमारी लेखपाल श्रीमती किरण लता, सुश्री अर्चना सिंह और राजस्व निरीक्षक श्रीमती अंकिता पांडे, लेखपालों का काम बहुत दायित्व वाला, बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण होता है। इस क्षेत्र में भी नारी शक्ति ने सफलता के झंडे गाड़े हैं। इसके पश्चात चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के हमारे कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर दीप्ति, डॉक्टर सीमा मल्होत्रा, डॉक्टर मीनू अवस्थी, डॉक्टर दीपा सिंह, सुश्री लालिमा, डॉक्टर पुष्पा सिंह, डॉक्टर शाहिस्ता नाज, ये हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं। कृपया करतल ध्वनि से इनका हौसला बुलंद करें। पूरा साल इनके जज्बे को सलाम किया गया है। इन्होंने अपने अटूट परिश्रम और मेहनत से एक एक मरीज की सेवा की है, उसको एक परिवार सा माहौल दिया है। Thank you.
बैठी रहो। डॉक्टर सुरुचि, सुश्री शीला चौरसिया, श्रीमती श्वेता पांडे, श्रीमती नीरज कुलशेष्ट। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ही श्रीमती उर्वशी दीक्षित, श्रीमती सुमन मिश्रा, श्रीमती हिमांशी श्रीवास्तव, श्रीमती सविता पाल। चिकित्सा शिक्षा विभाग से डॉक्टर उर्मिला आर्या, प्रोफेसर विनीता अग्रवाल, सुश्री मिनी मॉल एब्राहम, सिस्टर प्रतिमा सचान, श्रीमती शर्ली भंडारी, श्रीमती नीतू राणा, सिस्टर कामिनी कपूर, सिस्टर विजी नायर, श्रीमती सीतू। सभी पुरस्कृत होने वाली महिलाओं से आग्रह है कि कृपया अपना रक्षा कवच, अपना मास्क ना उतारें। बहुत सुंदर फोटोग्राफ आएगी। ये आज की तारीख में आपकी वेशभूषा, आपके यूनिफॉर्म का हिस्सा है। कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करते हुए आज के इस प्रोग्राम में पधारे हुए हमारे माननीय मुख्य अतिथिगण, मंच पर आते हुए सिस्टर प्रतिमा सचान, श्रीमती शर्ली भंडारी, श्रीमती नीतू राणा, सिस्टर कामिनी कपूर, सिस्टर विजी नायर, श्रीमती सीतू। पंचायती राज से हमारे सहारनपुर के सरसमा से पधारी ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम सैनी, सुश्री मोनिका यादव, सुश्री रुचिता चौधरी, पुलिस उपायुक्त महिला अपराध एवं सुरक्षा लखनऊ कमिश्नरेट, यशोदा रानी, कमर सुल्ताना, ऋतु तिवारी, सब इंस्पेक्टर यशोदा रानी, इंस्पेक्टर कमर सुल्ताना, सब इंस्पेक्टर ऋतु तिवारी, इंस्पेक्टर श्रीमती नीता वीर सिंह, महिला आरक्षी सुश्री रिंकी सिंह, सब इंस्पेक्टर सुश्री गौरी शुक्ला, महिला आरक्षी सुश्री पूजा चौहान, महिला आरक्षी सुश्री प्रीति तिवारी, समाज के सजग प्रहरी के तौर पर अपने उत्कृष्ट कार्य से जनता का, महिलाओं का दिल जीतने वाले इन पुलिसकर्मियों का स्वागत एवं अभिनंदन करने में कंजूसी ना करें। उच्च शिक्षा विभाग से गोरखपुर से पधारी श्रीमती शिप्रा सिंह, श्रीमती शिप्रा सिंह एवं डॉक्टर अलका सिंह। कृषि से हमारी महिला कृषक श्रीमती शालिनी, श्रीमती भगवानी देवी उर्फ ममता पटेल, जो वाराणसी से यहाँ पर पधारी हैं। परिवहन विभाग की सुश्री विदिशा सिंह,
श्रीमती भगवानी देवी वाराणसी के पिंडरा से पधारी हैं। नगर विकास की श्रीमती तृप्ता शर्मा, सुश्री नीलम सिरसा कुशवाहा, श्रीमती नीलम प्रजापति, ये सभी अपना स्वयं सहायता समूह चलाती हैं, अपने और अपने साथ की महिला साथियों को सशक्त बनाती हैं। धन्यवाद मैम, धन्यवाद सर। पंजाब नेशनल बैंक के सौजन्य से आज इन सभी पुरस्कार विजेताओं को सैमसंग का स्मार्टफोन भी प्रदान किया जा रहा है। इन पुरस्कार विजेताओं में कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने विषम से विषम परिस्थिति में भी हार नहीं मानी और अपने बुद्धि और साहस से असंभव को संभव कर दिखाया।